डेयरी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पहले तो आप ऐसी गाय लाएं जो कि 15 लीटर दूध देती है, कम से कम आपका औसत उत्पादन जो है वो 15। इसके लिए ऑलस्टीन बेस्ट है, आप जर्सी भी ला सकते हैं, आजकल जर्सी भी ऐसी हो गई है। पर इन गायों में यह है कि इनमें अगर ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहती हैं, अगर इन्हें भरपूर दाना और चारा नहीं मिलता है तो ये एनिस्ट्रस में चली जाती है। एनिस्ट्रस मतलब ये गर्म ही नहीं होगी। और बहुत से कृषकों में ये भी भ्रांति है कि अगर गाय प्रेग्नेंट हो गई तो वो दूध से भाग जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये गाय नहीं भागती है, देसी गाय तो भाग जाती हैं। तो इसमें यही है कि 60 से और 90 दिन के बीच में ये प्रेग्नेंट हो जाए और इसका कोई गलत असर नहीं पड़ता। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये हर 20 दिन दूध को कम करेगी, आपका नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, एक तो आप भरपूर बैलेंस राशन दीजिए इनको, वाइमरॉल दीजिए महीने में, और सबसे जरूरी बात यह है कि ब्याते ही इसमें टिप्रोसेफ का इंजेक्शन लगाएं, वो 4 इंजेक्शन लगा दें ब्याते ही, तो इसकी बच्चेदानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। और टिप्रोसेफ के अलावा इसको 10-10 दिन पर जो है वो आप रगमा लगाएं, तब आप इससे निजात पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें जो है ल्यूटियल सिस्ट हो जाती है। ल्यूटियल सिस्ट मतलब कार्पस ल्यूटम बना रहता है, उसे रिटेन PCLB कहते हैं। तो ऐसी हालत में आप इसको जो है, अगर आप की गाय नहीं आ रही है तो आप इसमें प्रगमा लगाइए, आप इसके दोनों पुट्ठों पे 2-2 ml प्रगमा लगा देंगे तो इससे आपकी जो है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाय जो है 60 दिन या 90 दिन में प्रेग्नेंट हो जाए। दूध 15-20 लीटर से कम देगी तो आपकी डेयरी नहीं चलेगी, तो प्रेग्नेंट करना ज़रूरी है। मैस्टाइटिस और वो ब्लड प्रोटोजुअन ये तो सब प्रॉब्लम है ही, पर गाय का प्रेग्नेंट होने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो जुलाई अगस्त से शुरू हो जाता है और वो जनवरी फरवरी तक रहता है। जब टेम्परेचर 45 डिग्री होता है तब ये वो जो है वो नहीं होती। तो मैं प्रोफेसर सैया हूँ, मैं ऑनलाइन आपको कोई भी सूचना आप कभी पूछेंगे तो मैं आपका उत्तर दूंगा। मेरा टेलीफोन नंबर 8979 7486 मैं फिर दोहरा रहा हूँ। कृषक कहते हैं कि आप अपना टेलीफोन नंबर बहुत तेजी से बता देते हैं, ऐसे टेलीफोन नंबर नीचे भी दिया जा रहा है और आप फिर से सुन लीजिए 8979 7486 धन्यवाद आपका सर।